हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा, काफ़ी सिंपल एंड इजी वे में इसे एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया वो बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दें ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप तक पहुँच जाए। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। देखो सबसे पहले तो रोज़ की तरह आपको दो क्वेश्चन आंसर करने हैं फ्रॉम प्रीवियस डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर क्लिंचेज वर्ल्ड बिलार्ड चैंपियनशिप 2018 का विश्व बिलार्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया, इसका आंसर आपको बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was sworn in as the new Prime Minister of Sri Lanka? तो श्रीलंका के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए, इन दोनों के आंसर्स आपको बताने इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन इंक्लूड किया है, उसके आंसर्स आप मुझे बताएंगे इन डिटेल। एंड जिसका भी आंसर सबसे बेटर होगा उनको हम नेक्स्ट वीडियो में विनर भी अनाउंस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड उनके आंसर्स बताया करें। सो लेट स्टार्ट टूडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $425 मिलियन लोन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड कम्युनिकेशन फॉर विच कंट्री। तो ये बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने $425 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया किस कंट्री के लिए ताकि वो अपनी सड़क का निर्माण कर पाएँ अच्छे ढंग से, तो वो कौन सी कंट्री है, वो है जी ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखनी है अबाउट बांग्लादेश एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ की करेंसी है टाका, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना एंड वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो हैं अब्दुल हामिद। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है अबाउट बांग्लादेश। एंड उसके बाद बात आई वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने, वर्ल्ड बैंक की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुई थी, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन में। एंड इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने, प्रेसिडेंट कौन है इन वर्ल्ड बैंक के, प्रेसिडेंट राइट नाउ है जिम योंग किंग। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखने फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली लॉन्च द इम्प्रेस पोर्टल। तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिस पोर्टल का नाम है इम्प्रेस, तो ये आपको बताने कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। तो इसको लॉन्च किया जी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड इस क्वेश्चन में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है, सबसे पहले तो मिनिस्टर कौन है ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के, प्रकाश जावेदकर, उनका आपको याद रखना है नाम। एंड उसके बाद बात आई इम्प्रेस पोर्टल की, बेसिकली है क्या, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। एंड है क्या, देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है बनाने का ताकि जो हमारे इंडियन रिसर्चर्स हैं और बाहर के ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्चर्स हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस प्लेटफॉर्म का नाम है इम्प्रेस, ताकि वो मिलके काम कर पाएं। बेसिकली बेनिफिट तो हमारे इंडियंस को ही होगा, ताकि बाहर के रिसर्चर्स की भी हेल्प ले पाएँ एंड मिलकर हम कुछ हम रिसर्च कर पाएँ सोशल साइंस। ठीक है, तो डिसीजन है कि अराउंड 31 मार्च 2020 तक इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड 418 का इसके लिए बजट भी इतना अमाउंट भी यूज़ किया जाएगा। तो बस इतना याद रखना है आपको इस क्वेश्चन से। इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं प्रकाश जावेदकर एंड इसकी फुल फॉर्म, एंड बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं नेक्स्ट वन। 27 अक्टूबर को मदन लाल खुराना का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। ठीक है, मदन लाल खुराना इनकी डेथ हो गई, तो आपको ये बताना कि कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिक्स। ठीक है, 1993 में दिल्ली के CM भी रह चुके हैं, देन उसके बाद राजस्थान में 2004 में राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके थे, अब इनका 27 अक्टूबर को निधन हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, किस फील्ड से रिलेट करते थे, इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। अब करते हैं नेक्स्ट वन। Which state government has recently banned the sale of herbicides? तो किसी स्टेट ने इसका बैन कर दिया, आपको ये बताने कि कौन सी स्टेट ने herbicides का बैन कर दिया सेल। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट है जी, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। ठीक है, पंजाब में अब herbicides टोटली बैन हो गए। ठीक है, बेसिकली एक हर्बिसाइड्स था ग्लिफोसाइड्स, तो उसकी वजह से कैंसर कॉजिंग था, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखो हर्बिसाइड यूज़ क्यों करते हैं, पेस्टिस को हम वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, जो अनवांटेड प्लांट्स खेत में बन जाते हैं ना, जब खेती करते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्लिफोसाइड्स यूज़ हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा है कि कैंसर कॉजिंग है, इस वजह से गवर्नमेंट ने इसे टोटली बैन कर दिया। एंड इसको पंजाब ने बैन किया, पंजाब के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है याद, ठीक है, जो पंजाब नॉर्थ पाकिस्तान पंजाब के जो CM है वो है अरमिंदर सिंह, कैप्टन अरमिंदर सिंह। एंड उसके बाद वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जी VP सिंह भंडोर, एंड वहाँ के जो कैपिटल है वो जी चंडीगढ़। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट वन। हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड हाइएस्ट रेलवे लाइन। तो कौन सी कंट्री की रेलवे ने अनाउंस कर दिया कि दुनिया का सबसे ऊंची रेलवे लाइन बनाई जाएगी,
तो ये कोई और नहीं है, ये हमारी अपनी इंडियन रेलवे, ठीक है। ये जो बनाई जाएगी इंडियन रेलवे, कहाँ से कहाँ तक ये बनाई जाएगी, लद्दाख से न्यू दिल्ली तक, और ये दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन होगी। इतना सा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये कहाँ से कहाँ, बिटवीन लद्दाख एंड न्यू दिल्ली, ठीक है, ये रेलवे लाइन बनाई जाएगी एंड दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन होगी। अब बात है रेलवे की, रेलवे के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको हर बार ही बताता हूँ। राइट नाउ जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ये आपको भी याद रखना ही रखना है। एंड उसके बाद जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट हमारे इंडिया के आज़ाद भारत के जो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे, उनका नाम भी याद रखना है, जॉन मिथाई। एंड पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, 1853 फ्रॉम बिटवीन मुंबई टू थाने। इतनी चीज़ें आपको याद रखने फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एंड रेलवे हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टॉप मोस्ट कंट्री इन द रिसेंट रिलीज फीफा रैंकिंग। तो फीफा रैंकिंग एक रिलीज मतलब रैंकिंग अनाउंस हुई है, तो आपको बताना कि टॉप कौन सी कंट्री है, ठीक है। इससे पहले हुआ था फ्रांस टॉप पे था, बट राइट नाउ चेंजेस आई हैं, जो टॉप पे कंट्री रही वो रही जी ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम लेटेस्ट रैंकिंग में टॉप पे, एंड फर्स्ट बेल्जियम एंड सेकेंड है फ्रांस, फ्रांस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने कभी इसके लिए क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए इंडिया फीफा नहीं खेलता, ठीक है। एंड फीफा आया इसमें बात, मैंने फीफा में पर्टिकुलरली एक टॉपिक भी लिया था, ठीक है। राइट नाउ 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे, ये रशिया में हुआ था, एंड जीता किसने था, फ्रांस ने जीता था, ठीक है। तो गोल्डन बॉल अवार्ड भी दिया था लुका मॉड्रिक को। ये डिटेल्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जो इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। फीफा की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, जो फीफा की फुल फॉर्म है जी, द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनली द फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है अबाउट फीफा। एंड इस बारी जो लेटेस्ट रैंकिंग में टॉप किसने किया है, वो है बेल्जियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनली सिक्स एडिशन ऑफ 2018। तो ये टाइटल जीत लिया मिस ग्रैंड इंटरनेशनली। देखो ये इंपॉर्टेंट किस लिए बन गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, बेसिकली कुछ रिलेशन होगा हमारे इंडियन के साथ, तभी मैंने लिया। देखो सबसे पहले तो मैं इसके विनर बता दूँ, जो विनर रह रहे हैं वो हैं क्लारा सोसा, ठीक है। इनकी पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई हुई है। तो ये हो कहाँ रहे थे, म्यांमार में हो रहे थे, ये ऑर्गेनाइज किए गए थे, एंड इससे 2018 का इन्होंने जीत लिया। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, देखो जो इसमें रनर अप रही ना, वो हमारी इंडियन रही, तो रनर अप इसलिए हमारी इंडियन रही, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। तो रनर अप काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जो रनर अप रही वो रही जी मीनाक्षी चौधरी, ठीक है। तो मीनाक्षी चौधरी रनर अप रही, ये भी आपको याद रखना ही रखना है। एंड जो जीता ये भी आप याद रख सकते हो, क्लारा सोसा, इनकी पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई है। करते हैं नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट पार्लियामेंट्रियन ऑफ 2018 अवार्ड बाय एशिया पोस्ट एंड फेम मीडिया। तो ये अवार्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अवार्ड दिया गया बेस्ट पार्लियामेंट्रियन ऑफ द 2018 ये बाय एशिया पोस्ट एंड फेम मीडिया द्वारा दिया गया। तो ये आपको बताना है कि ये किसे दिया गया। तो ये दिया गया जी ऑप्शन ए, गौरव गोगोई को, ठीक है। ये अवार्ड मिला गौरव गोगोई को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वॉन द मिसिज इंडिया यूनिवर्स 2018 टाइटल इन पुणे। तो पुणे में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, इंडिया का ही है, ठीक है। इंडिया यूनिवर्स, तो मिसिज मतलब ये शादीशुदा औरतों के बिटवीन ये कॉन्टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जीता किसने, आपको ये बताना है। तो ये जीता जी ऑप्शन नंबर सी, प्रीति मीना ने। ये चीज़ आप याद रख सकते हो, पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई हुई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड एक्सपीरियंस नॉर्थ वेस्ट फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये फेस्टिवल है, ये स्टार्ट हुआ एक्सपीरियंस नॉर्थ वेस्ट फेस्टिवल, ये आपको ये बताने कि ये फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट हुआ एंड बेसिकली है क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। बेसिकली देखो नाम से ही पता चला नॉर्थ वेस्ट फेस्टिवल, जो नॉर्थ वेस्ट फेस्टिवल जो वहाँ की स्टेट्स हैं, देखो सेवन सिस्टर स्टेट्स बोली जाती हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड मेघालय, ठीक है। वहाँ की संस्कृति का वर्णन करने के लिए, ठीक है, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने वाने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये स्टार्ट कहाँ हुआ, ये आपको ये बताना है सबसे पहले। तो ये स्टार्ट किया गया फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है। इसमें सेवन स्टेट्स की संस्कृति वगैरह का वर्णन करेंगे, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। एंड ये स्टार्ट किया इन न्यू दिल्ली, बस इतना सा आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ IDFC बैंक रिसेंटली चेंज। तो मतलब IDFC बैंक ने अपना नाम चेंज कर लिया, तो आपको ये बताना है कि इसका नया नाम क्या है। सबसे पहले तो इसका नया नाम बता दूं, इसका जो नया नाम है ऑप्शन नंबर बी, IDFC फर्स्ट। तो इसका जो नया नाम होगा वो होगा IDFC फर्स्ट। एंड अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये इन्होंने चेंज क्यों किया एंड ये बैंक है कैसे। HDFC बैंक तो सुना होगा, IDFC बैंक भी है, ठीक है। IDFC बैंक भी है, हमारा इंडिया का ही है। बेसिकली इन्होंने एक नॉन फाइनेंस कंपनी जो कैपिटल फर्स्ट है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है
कैपिटल फर्स्ट, कैपिटल फर्स्ट के साथ इन दोनों ने मर्ज करके, ठीक है, ये मर्ज हो गए तो इसीलिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, IDFC बैंक मर्ज विद कैपिटल फर्स्ट, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये आपको ये बताना है, ये इन्होंने मिलके साथ में ये मर्ज हो गई, ठीक है, IDFC बैंक का फर्स्ट नेम IDFC ने ले लिया एंड जो कैपिटल फर्स्ट है उस कंपनी का इन्होंने सेकंड साथ में नाम जोड़ लिया एंड ये साथ में मिलके बन गए IDFC फर्स्ट, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। एंड इस बैंक के बारे में थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, 2015 में इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है, वो है राजीव लाल। तो इतनी सी चीज़ें याद रखनी है आपको फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये हो गए जी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे ले लिए एंड अब बात आई हमारे स्टैटिक पोर्शन की। आज का स्टैटिक पोर्शन मैंने लिया है जी डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, अराउंड 10 to 10-11 क्वेश्चन है डांस इंडिया की, जितने भी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं आप आपको इनके आंसर्स मुझे बताने इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको बताना है कथक कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है, देन सेकेंड वाला कथकली बताना है, देन उसका कुचिपुड़ी बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए देन इसके आंसर्स मुझे बताइए, इन वीडियो को पॉज करके देन उसके रीड आउट कीजिए एंड इसके आंसर्स मुझे कमेंट करके बताइए, जितने आपको आते हैं उनके कमेंट कीजिए, जितने नहीं आते उसको सर्च कीजिए देन उसके बाद फिर से कमेंट कीजिए, बिकॉज वेट नहीं करना है। वैसे भी शाम तक जिसका आंसर सबसे बेटर होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, शाम तक आपको वीडियोज़ के कमेंट में आपको ये इनके आंसर्स जो सबसे बेटर होंगे एंड प्रॉपर आंसर्स के आंसर मिल ही जाएंगे कमेंट, बट स्टिल आप कोशिश करो कि आप खुद से इनके आंसर्स दे पाओ एंड कितने क्वेश्चंस आप इसके आंसर कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, देखो गिद्दा तो आप सबको पता ही होगा, बांगड़ा भी आपको पता ही होगा, गोभी बताना है, उसके मणिपुरी, मणिपुरी भरतनाट्यम कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है, कुचिपुड़ी, ठीक है, बिहू, ये सारे आंसर्स आपको मुझे बताने इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। तो आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड शेयर करें एंड शाम को 9 बजे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, शाम को 9 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, लाइव क्यूज़ कर रहा हूँ सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स का, टॉप 150 क्वेश्चंस का क्यूज होगा उस वीडियो देखने के बाद, सितंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने वैसे भी तो आपके साथ रिवाइज करवाया बट स्टिल थोड़ा सा और उसको रिवाइज करेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, लाइव आऊँगा 9 बजे, तो सारे 9 बजे ज़रूर वीडियो को लाइव आ जाना, ठीक है, एंड उसको अटेंड करने की कोशिश करना। डिस्क्रिप्शन में या मेरे वीडियोज़ में आप देख सकते हो सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसको आज रिवाइज कर लेना दिन को एंड शाम को उसको एक्सक्यूज को अटेंड जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।